हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। और ये जो व्लॉग मैंने आप अभी जो बना रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि ये जो दो कौड़ी के इंसान है ना, सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि इन सबको आप लोगों ने बनाया है। आप लोगों ने ही बड़े ये जो यूट्यूबर हैं इनको बनाया है। सो प्लीज़, मेरा यही कहने का मतलब है, इतना इनको सर पे मत चढ़ाओ कि ये आप लोगों से मिलने के लिए ही आप लोगों को कभी पुलिस स्टेशन भिजवा दें या फिर कुछ और कर दें। सीरियसली यार, मेरे को बहुत बुरा लगा ये वीडियो देखने के बाद। अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा, उसको प्लीज़ पूरा कंटिन्यू देखना और आप लोग भी अपना रिएक्शन ज़रूर देना। और मेरा यही एक कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों ने ऐसे चूतियाओं को फॉलो कर रखा है, तो प्लीज़ अगर इनके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो इन्हें अभी इन्हें हटाएं अपने सब्सक्रिप्शन में से। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग दो कौड़ी के लोग हैं मेरी नज़र में। जो एक बंदा 800 से 1000 किलोमीटर पैदल चलकर आपसे मिलने आ रहा है और आप उसको भगा रहे हो, यार ये कहाँ की इंसानियत है सालों? तुम भोसड़ी के दो कौड़ी के इंसान हो सारे के सारे। जिन जिन के भी ये नेम ले रहा है ना, उन सबके बारे में मैं बोल रहा हूँ। असल पता कैसे ना, बहुत टूट गया था सर। चुप चुप, चुप। बहुत ज्यादा टूट गया वो सर। क्या बात हो गई, आप रो क्यों रहे बताओ? क्योंकि सर मैंने 3 चैलेंजेस अभी तक कंटिन्यू ड्रॉप किए मेरे से। अच्छा। 6 चैलेंजेस मेरे ड्रॉप हुए, वो एक की वजह से, वो सर सौरभ जोशी की वजह से हुआ है सर। क्या हुआ? सौरभ जोशी की वजह से इसलिए हुआ क्योंकि सर मिस्टर इंडियन हैकर जो है वो भी सौरभ जोशी के फ्रेंड है। अलवेश यादव भी सौरभ जोशी के फ्रेंड है। जब सर हमें सौरभ जोशी का चैलेंज मिला, वो हमारे चैलेंज में नहीं आए, बल्कि उन्होंने हमें थाने पहुंचवाया। फिर उसके बाद हमने एक वीडियो अपलोड की, जो वीडियो अपलोड कि वो कैसे कैमरा के सामने होते, कैमरा के बाद उनका रिएक्शन कैसा होता पब्लिक के साथ। लेकिन सर उसके बाद ना मिस्टर इंडियन हैकर हमसे मिलने के लिए अलवेश यादव। लेकिन सर थैंक यू सो मच सर, आप मेरे चैनल रो मत, रो मत, रो चुप भाई। जम्मू कश्मीर से पैदल पैदल चल के आ रहे हैं भाई, मेरे को बता रहे हैं इन्होंने खाना नहीं खाया 1 महीने से, और ये मेरे को बोल रहे हैं मैं उत्तराखंड भी गया था। उत्तराखंड आप किसके पास गए थे? रो मत, चुप हो जाओ। सौरभ जोशी के पास उत्तराखंड गया था सर। क्या बोला उन्होंने? सर वो तो मिले भी नहीं सर, इग्नोर करके चले गए सर हमें। अच्छा सर, उन्होंने मेरी मेरी बेइज्जती नहीं की बल्कि तिरंगे की बेइज्जती की। अच्छा। इंडियन फ्लैग की बेइज्जती की सर। मैं अकेला नहीं आया था जम्मू कश्मीर से, मैं इंडियन फ्लैग लेके आया था सर। फिर भी नहीं मिले? फिर भी नहीं मिले सर। इस चीज का सर बहुत ज्यादा अपसेट हो गया हूँ सर। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ भाई। ये लड़का जम्मू कश्मीर से हमारे इंडिया का झंडा टांग के बैग में लोगों से मिलने के लिए जा रहा है। किन से? जो लोग YouTube पे व्लॉगिंग करते हैं, YouTube पे जिन्होंने अपना करियर बनाया हुआ है, इनके साथ आप लोग ऐसा कर रहे हो? अगर आपसे कोई मिलने के लिए आ रहा है, अगर आप लोग घर पे हो तो मिलो ना। इन लोगों ने आपको बनाया है, आपने तो नहीं बनाया ना इन लोगों को, इन लोगों ने आपको बनाया, तो इन जैसे बंदों को सपोर्ट किया करो। सर्दी के टाइम तुम अपने घर से 5 मिनट के लिए नहीं निकल सकते, और ये पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर से पैदल पैदल तुम लोगों से मिलने के लिए आ रहा है। घमंड पीछे करो और इन लोगों को सपोर्ट करो। ये तुम्हारा क्या कर लेगा, तुमसे एक बार मिल लेगा, इनके दिल को शांति मिल जाएगी। इन जैसे बंदे को सपोर्ट करो। अभी आप पैदल पैदल आए हो? बिल्कुल सर। कुछ खाया आपने? सर कुछ नहीं सर, बस अपना चैलेंज कंप्लीट करने के लिए आया था सर, वो हो गया सर बस। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर आपने उनको सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब ना करें, मुझे ऐसे सब्सक्राइबरों की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा किसी के साथ करने वाला नहीं हूँ, और मैं बहुत लॉयल इंसान हूँ यार। मुझे ऐसा, यानी मैं देख के मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तो सीरियसली मुझे ऐसा, मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि मुझे इतना घमंड ना दे यार, मुझे इतना घमंडी ना बनाए, क्योंकि ऐसा घमंड किसी काम का नहीं रहता है। घमंड तो रावण का चूर चूर हो गया यार, ये तो दो कौड़ी के इंसान है साले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और हैप्पी रहें। बाय बाय।